नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्ता, आप देख रहे हैं हमारे सिंपल टेक्निकल चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निकल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं यहाँ पर टेक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी बातें करने वाला हूँ। आज मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें से कुछ आप लोग हो सकते हैं मोटिवेट भी और कुछ डीमोटिवेट भी। फ्रेंड्स डीमोटिवेट तो इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मोटिवेट जरूर हो जाइएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं वीडियो को रिमूव कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप लोग तो जानते होंगे दिन भर में कितने सारे यूट्यूब चैनल खोलते होंगे इंडिया में। आपका मान लीजिए, सिर्फ मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया में दिन भर में हज़ारों लाखों यूट्यूब चैनल खोलते हैं। क्या सारे यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, सारे यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि है बहुत बड़े पैसेंस की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स आप मेरे ही चैनल को दीजिए, मेरा ये चैनल है, इसको मैंने 3 साल पहले ही स्टार्ट किया था। इसमें अभी 581 सब्सक्राइबर है, सिर्फ 581 सब्सक्राइबर। और जो वीडियोस आप अगर देखिएगा तो कुछ कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, बट कुछ कुछ वीडियो में 100 से ज़्यादा व्यूज़ आपका नहीं आया फ्रेंड्स। तो अगर मैं ये चैनल अभी हटा दूँ या रिमूव कर दूँ तो उसमें यूट्यूब वाले को तो कुछ लॉस नहीं होगा, मेरी मेहनत पानी में जाएगी या फिर मेरा मेहनत वेस्ट। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात करूँ पैसेंस की, अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ऐसे बड़े काम करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल की ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो अगर आप कोई भी बड़े काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको उसमें बहुत बड़ा पैसेंस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता होगा कि पैसेंस जो है वो सब में नहीं होती है, पैसेंस बहुत कम लोगों पे होते हैं। आप मेरे जो ये चैनल देख रहे हैं अभी, जिस चैनल पे आप बने हैं सिंपल टेक्निकल चैनल पे, ये चैनल मेरा आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल के अबाउट में जाइएगा, आप मेरा चैनल खोलिएगा, चैनल के अबाउट में जाके देखिएगा, वहाँ पर आप टोटल व्यूज़ भी देख सकते हैं, चैनल कब मैंने स्टार्ट किया वो भी देख सकते हैं, कौन सा ईयर में स्टार्ट किया 2017 में वो भी देख सकते हैं, अगस्त के महीने में। मेरा ये चैनल का आज 3 ईयर्स हो गया है, चैनल 3 साल हो गया है मेरा। कुछ कुछ वीडियो वायरल भी हो चुकी है, बट कुछ कुछ वीडियो है कि 100 से ज़्यादा व्यूज़ कुछ कुछ वीडियो में आपका 10 से ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं अभी इस यूट्यूब को छोड़ नहीं सकता। और मैं आप लोग तो जानते होंगे, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो वीडियो में जानते हैं मैं छोटा मोटा एक सप्लाई का बिजनेस करता हूँ, जो वीडियो में मैं उसके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देखोगे आप लोग। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करता हूँ पैसेंस की, पैसेंस प्लस आपको कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आपको पैसेंस के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जितना पैसेंस की ज़रूरत पड़ती है उतना कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए फ्रेंड्स। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से आगे चल के इसमें इस काम के जितनी परेशानी हुई उसको स्ट्रगल कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, तभी आप किसी भी बड़े काम को, ये बिजनेस करना, यूट्यूब करना, ये सब छोटा मोटा नहीं, ये आपका बड़ा डिसीजन है जिसमें आपको पैसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इस बड़े काम को करने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट शुरू में उतना ज़्यादा रनअप नहीं करता, क्योंकि मार्केट में आप भी जान रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। और यूट्यूब की बात करें तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है मेरे तरह, तो यूट्यूब में भी बहुत सारे कंपटीशन आ चुके हैं। ऐसे आप दिन भर में नहीं जानते, सिर्फ मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में आपका दिन भर में नहीं करते 1000 से लाख चैनल डेली बनते हैं फ्रेंड्स सिर्फ इंडिया में। तो क्या हर एक चैनल ग्रो कर जाता है? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ हर एक चैनल ग्रो नहीं कर पाता है, वही चैनल ग्रो कर पाता है जो काफ़ी पैसेंस लेके बैठता है। और वीडियो में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो वायरल हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियो जिसमें मैं शायद अच्छा कंटेंट नहीं हुआ किसी कारण वो वीडियो में व्यूज़ नहीं आती है, बट मैं ये अभी भी पैसेंस रखता हूँ कि कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो कुछ भी रन कर सकता है, कोई भी ऐसा कंटेंट आगे चल के होगा या फिर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो को मेरा रन कर जाए, ऐसा कभी भी हो सकता है। वो थोड़ी बहुत किस्मत भी साथ दे देती है और आपका जो जिस हिसाब से मेहनत रहता है वो आपका ज़्यादा साथ देता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मेरे चैनल में यहाँ पर ही आप टोटल सब्सक्राइबर की बात करें तो 581 के लगभग सब्सक्राइबर होगा, और व्यूज़ तो आप लोग देखिएगा वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या फालतू यूट्यूब में कि एक वीडियो बनाते रहता है, व्यूज़ तो आता नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, इतना दिन से मेहनत कर रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही तो बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बोलने वाले की जनसंख्या ज़्यादा होती है, करने वाले की जनसंख्या से भी ज़्यादा होती है। करने वाले की जनसंख्या बहुत कम होती है, बोलने वाले की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर ही आप मान लीजिए, यहाँ पर कोई 5 लड़का काम कर रहा हो तो उसके अगल बगल 10 लड़का घेर के उसको कमेंट पास करेगा या बोलेगा या फिर हंसेगा, कुछ भी आप लोग तो जानते ही हो गए ऐसे में। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी बड़ा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम आते रहेंगे, इस तरह से स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरे चैनल में बहुत वीडियोस में है कि 5 से भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं गया है, 10 अबव 10 व्यूज़ नहीं गया है। उस तरह के वीडियोस को देख के बहुत कोई देखते हैं मेरे को डिमोटिवेट करने का। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, या फिर फ्रेंड्स में भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स में भी होते हैं, उस तरह के वीडियोस को देखे। आपका जिस वीडियो को वायरल गया उस वीडियो के बारे में कोई डिस्कस नहीं होगा, उस वीडियो के बारे में बात नहीं करेगा, उसको साइड में रख देगा। बट जहाँ पर ही आपका नेगेटिव पॉइंट मिलेगा उसके बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा, उसके बारे में आपको ज़्यादा बोला जाएगा और उसी को पकड़ के आपको नेगेटिव तरफ खींचा जाएगा, डिमोटिवेट किया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप में करने की क्षमता है, अगर आप उस चीज़ को कर सकते हैं, आप में कैपेसिटी है वो उस चीज़ को करने की, तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और थोड़ी बहुत पैसेंस के लिए, पैसेंस रखिएगा आप, अगर रेगुलर कंटेंट डालिएगा वीक में हो, जैसे कि मैं कि कभी वीडियो डाल भी पाता हूँ, कभी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, जिसके कारण मेरे को कभी रात हो जाती है आने के लिए, तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ और वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं 1-2 दिन गैप में भी मेरा वीडियो डालता हूँ मैं फ्रेंड्स। बीच के 2-3 साल में मेरा कुछ तबीयत डाउन, आप लोगों को तो बताया हूँ 3 साल वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था मैं, उसके लिए कुछ अलग रीज़न था। बट इधर मैं रेगुलर टाइम मिल रहा तो मैं वीडियो डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो बात ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आपको पैसेंस की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। पैसेंस रखना आपको बहुत ज़रूरत है। बहुत लोगों के बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत लोगों के बातों को सुन के करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर ही है कि देखिए, अगर आप किसी के भी डाउन में हो, यहाँ पर ही मैं एक अभी फ़िलहाल जो यूट्यूबर्स है, एक बड़े यूट्यूबर्स बन गए हैं, अभी छोटे यूट्यूबर्स हैं, मनोज देखा तो नाम आप लोग सुनोगे, काफ़ी स्ट्रगल किया है बंदे ने। यह सामने ही है, मेरे पास का ही है, हम लोग पहले थोड़े फ्रेंड टाइप के थे, पास का ही है, तो उनके बारे में तो देखते ही हैं, उनके बारे में तो जानते ही हैं। पहले उनके बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो चुका है, छोटा मोटा वीडियो जो आप लोग देखते हैं, वो लोग कहाँ वीडियो मतलब बनाता था और वीडियो पोस्ट करता था। लड़के ने बहुत मेहनत की है, अभी उसको देखिए, उसके करीब नहीं करते, उसके सपोर्ट में 1.58 मिलियन सब्सक्राइबर उसके पास है। क्यों है फ्रेंड्स? उसके पास था पेशेंस, उसने रेगुलर कंटेंट डालता गया, उसने कुछ नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि आप आज ही वीडियो चैनल खोल लिए, सबको यही चाहता है कि आप आज वीडियो बनाएं, कल आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, परसों आपका 4000 हावर्स वॉच टाइम हो जाए। ऐसा नहीं है, आपका यूट्यूब में, अगर आप यूट्यूब में आ रहे हो तो यूट्यूब को आपको यूट्यूब में आप अगर आ रहे हो तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यूट्यूब में आपको रेगुलर कंटेंट डालना ही पड़ेगा और प्लस उसमें आपको वीडियो आप डाल के आप डेली देखिएगा कि मेरा कितना व्यूज़ आ रहा है, कितना सब्सक्राइबर। हाँ, हालांकि आपको ऐसा कुछ जिम्मेदारियाँ है, प्रेशर से घर से कि नहीं आपको, तो आप छोटा मोटा साइड से कुछ काम भी कीजिए और यूट्यूब को आप पार्ट टाइम जो एज ए पार्ट टाइम जॉब जैसा यूट्यूब को कीजिए। अगर आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट यूट्यूब करना ही है तो आप यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब जैसा कर सकते हैं और साइड से आप छोटा मोटा बिजनेस कीजिए, या अगर आपको छोटा मोटा शॉप है तो बहुत बेटर बात है, आप शॉप में टाइम दीजिए, वहाँ पर वीडियो पोस्ट कीजिए, वीडियो एडिट कीजिए, या फिर आप कहीं भी वीडियो जाके शूट कर लेते हैं और दुकान में जाके आप अपने शॉप में बैठ के वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम निकाल के आप थोड़े बहुत स्टार्टिंग में थोड़े बहुत यूट्यूब में दीजिए। अगर यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर यूट्यूब में आपका जर्नी सही रहा तो यूट्यूब के आपका अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ही तो मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलना था कि
मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत फैमिली मेम्बर हैं जो बोलते हैं कि क्या व्यूज़ तो नहीं आता है, फिर भी ये सब वीडियो वीडियो बनाते रहता है, लंद फंद क्या वीडियो बनाते रहता है, काम में ध्यान दो, ये वो, ऐसे तरह का वीडियो में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, फ्रेंड्स लोग हंसते हैं, फ्रेंड्स लोग बोलते हैं ये व्यूज़ व्यूज़ आता नहीं, फालतू में एकदम टाइम स्पेंड कर रहा है इसने, वेस्ट है। कभी कभी आप अगर सब तरफ से बोलते हैं, कभी कभी आपका भी माइंड में खटकने लगता है। बट यहाँ होता है कि जिसके पास पेशेंस नाम का चीज़ नहीं होता, जिसके पास थोड़ा भी पेशेंस नहीं होगा वो क्या करेगा, नहीं ये सही बोल रहा है, वीडियो डाल रहा हूँ हो नहीं रहा है तो चलो वीडियो को हटा देते हैं, मतलब कि ये नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं तुरंत रिमूव कर देते हैं, और वो स्ट्रगल से थक जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिर जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी रखना है, प्लस आपको पेशेंस भी रखना होगा। पेशेंस प्लस कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ अगर चलेगा तो ही आप रन कीजिएगा, वरना आप रन नहीं कर पाइएगा। फ्रेंड्स मैं अगर ये वीडियो जैसे कि बना रहा हूँ बता रहा हूँ, हो सके इस वीडियो को काफ़ी लोग नहीं देखें, सारे तो नहीं देखेंगे, मान लीजिए आप, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं दिमाग में ये भी सोच सकता था अरे वीडियो कोई ज़्यादा देखता नहीं है, 4 से 5 व्यूज़ आता है, क्या है वीडियो बनाऊँगा इस सब के बारे में। अभी फिर भी मैंने बनाया कि चलो मेरे को भी कुछ सब्सक्राइबर है, वो लोग भी देख के कुछ मोटिवेट हो, मतलब उन लोग को भी मन में जिज्ञासा जा गया, अच्छा लगे उन लोग को भी, कि मतलब वो लोग भी अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और पैसेंस थोड़ा और मजबूत हो जाए उन लोग का भी, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी, कि कौन कौन देखेगा इस वीडियो को, मालूम नहीं यूट्यूब कितने लोगों तक भेजेगा इस वीडियो को, मुझे नहीं पता। बट अभी जितना बताना था मैंने बता दिया, अब देखता हूँ। जय जगह।